दोस्तों यामा की YZF R3 का अगर आप वेट कर रहे हो तो अब आपको इस बाइक के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। यामा की YZF R3 2022 में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सो आज की वीडियो में हम यामा की YZF R3 के बारे में बात करेंगे, कब ये बाइक मार्केट में लॉन्च होगी, क्या बाइक का प्राइस होगा, कैसे बाइक के अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यामा की YZF R3 2015 में इंडियन टूलर मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे इस बाइक का एक्चुअल प्राइस था 3,25,000, जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा था और उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक थोड़ी सी महंगी थी और BS6 नॉर्म्स मैंडेटरी होने के बाद ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी। लेकिन अब फाइनली 2022 में जाके इस बाइक का BS6 मॉडल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। यामा की YZF R3 का न्यू मॉडल दिवाली के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होगा। और गाइज अगर आपको इस न्यूज का सोर्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। गाइज अभी इंडियन टूलर मार्केट में 300 से 400 cc फुल्ली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली BMW की G310 RR भी लॉन्च हुई है और KTM की RC390 का न्यू मॉडल भी 2022 में ही लॉन्च हुआ है और TVS की Apache RR310 भी अपनी सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी है और कावासाकी की निंजा 300 भी अपनी सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी बाइक है। सो अभी 300 cc से लेके 400 cc सेगमेंट के अंदर यामा की YZF R3 भी आ रही है, जो अपनी सेगमेंट के अंदर काफी पावरफुल मशीन है और बाइक के अंदर फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। गाइज यामा की YZF R3 के अंदर हमें न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम देखने को मिलेगी और जैसी ये बाइक इंटरनेशनल टूलर मार्केट में है बिल्कुल वैसी ही बाइक मार्केट में आएगी। बाइक के अंदर में फ्रंट में ट्विन LED हेडलाइट देखने को मिलेंगी, जिनके साथ में LED DRLs भी होंगे। बाइक के अंदर प्रीमियम LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल दिए गए हैं। बाइक के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, फेयरिंग माउंटेड रियर व्यू मिरर्स देखने को मिलेंगे और बाइक के अंदर कॉम्पैक्ट साइज की विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। बाइक की फ्रंट फेयरिंग और साइड फेयरिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा है और R3 के न्यू मॉडल के ओवरऑल लुक्स काफी अच्छे हैं। बाइक के अंदर लो सेट क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है और रियर सेट फुट पैक्स है। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी अग्रेसिव है, जैसा फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स के अंदर होता है और बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, ट्रिप मीटर, क्लॉक, ये सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही गाइस यामा की R3 अपनी सेगमेंट के अंदर काफी लाइटवेट मशीन है, क्योंकि इस बाइक का वेट है 170 kg और इसी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। बाइक के अंदर में 321 cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर होगी 42 PS के आसपास और बाइक की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 29 Nm के आसपास विद 6-speed ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी होगी। बाइक की सीट हाइट है 780 mm और बाइक के अंदर फ्रंट में प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। बाइक के अंदर 298 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक, साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS होगा। टायर्स के बारे में बात करें तो बाइक में 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा, 140/70 सेक्शन का रियर टायर होगा, जो कि काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। सो बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर काफी लाइटवेट मशीन है। बाइक के अंदर ट्विन सिलेंडर इंजन है। बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है और ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर कावासाकी की निंजा 300 के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। सो गाइज अगर आप यामा की YZF R3 का वेट कर रहे हो तो फिर ये बाइक दिवाली पे इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। बाइक या तो अक्टूबर के एंड में लॉन्च हो जाएगी या फिर बाइक नवंबर में जाके लॉन्च होगी, लेकिन अब ये फाइनली बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि बाइक 2022 में लॉन्च होने वाली है, जिसका प्राइस हमें 3,50,000 के आसपास देखने को मिलेगा और बाइक का ऑन रोड प्राइस 4,00,000 रुपए के आसपास होगा। सो गाइज ये थी सारी डिटेल्स यामा की अपकमिंग बाइक YZF R3 के बारे में, जो अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।